और लेकिन उसके बाद जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो ये भी कह सकते हैं कि ये गुड साइन है कि हमारे क्लास में जब शुरू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत आई है बात नहीं आई एम सॉरी फॉर देट देखिए अभी आ गई ना अभी ठीक है चलिए ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे भावना नीतू नेहा ज्योति सभी बच्चे जो भी क्लास में मुझे देखो दिखाई दिए सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ रवि जी शगुफ्ता जी ठीक है एंड थैंक यू फॉर द नाइस कमेंट आपने जो लास्ट क्लास देखी आपको बहुत पसंद आई ठीक है समझ में आया ये सबसे मस्त है तो मैं आपसे छोटा से छोटी सी बात जो कह रही थी मैं वो ये कह रही थी देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि क्लास में दो बार इश्यू हो चुका है जब सर ने एंट्री कराई थी क्लास के अंदर विवेक सर ने तो तब भी ऐसा ही हुआ था ओके उनकी भी वॉइस नहीं है और शुरू में मेरी भी इंट्रोडक्शन की वॉइस नहीं है ठीक है अभी जस्ट फिर भी ऐसा हुआ तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेकिन कोई बात नहीं कोई इशू नहीं है चलिए हाँ मैं न्यू कोर्स ही लॉन्च करने जा रही हूँ अभी एग्जाम वो भी किया जाएगा तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको मेरे साथ में पढ़ना है ठीक है तो दिस इज अंशु चौधरी और मैं स्पेशली आपको कवर कराऊंगी यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस ठीक है चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड चाहे आपका कोई भी स्टेट का एस्टेट हो एच टी हो आपका यानी कि हरियाणा का टी जी टी हो राजस्थान और झारखंड कह सकते हैं सब तो मैं एक साथ नहीं करा सकती बट कोशिश करूंगी एंड यूपी टी जी टी जो कि अभी आप देख सकते हैं वैकेंसी भी आई हुई है तो इन सबको मैं कवर कराने वाली हूँ तो अभी हम यहाँ पर क्या है कि हमने लास्ट टाइम सोनेट डिस्कस किया था तो सोनेट आपको होप्स हो कि किस अच्छे से समझ में आ गया होगा उसमें एक्चुअली एक चीज मिस हो गई थी आयम्बिक पैंटामीटर में वहां पर नहीं समझा पाई थी तो उसे हम किसी और क्लास में लेंगे ठीक है किसी और क्लास में देख लेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे उसको और सारे ही फिट और मीटर को डिस्कस कर लेंगे तो पूरा ही टॉपिक हो जाएगा अभी फिलहाल मैं कुछ नया लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए उसको वहीं छोड़ते हैं पोएट्री को अभी थोड़ा सा जो अपने थंबनेल देखा है वैसे इन्होंने बहुत छोटा लगाया हुआ है वहां पर रेनेसा लिखा हुआ है बहुत शॉर्ट में लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पर एक मोमेंट को कवर करूंगी इसी तरह से बताना है मुझे आपको कि मैं इसी तरह से आपको और मोमेंट्स कवर कराने वाली हूँ ठीक है तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर और साथ में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैम हमें कौन सा टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत है तो आप मेंशन कर सकते हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को हम मेजोरिटी होगी तो ऐड कर लेंगे ठीक है उसी को मैं ले लूंगी तो अभी फिलहाल जो मैं बात करूंगी रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगी क्योंकि जब हमसे पूछा जाता है ना क्योंकि हमारे जो शेक्सपियर है जॉन मिल्टन है स्पेशली तो वो बिलोंग करते हैं यहाँ से इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं और इसका इम्पेक्ट भी था लिटरेचर पे बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं तो स्पेशली इसलिए मैं इस मोमेंट को अभी इस क्लास में इस पर्टिकुलर क्लास में आपके साथ में डिस्कस करूंगी ठीक है चलिए तो रेडी हो जाइए फटाफट से अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लेकर आ जाइए सारा फोकस ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूट ना जाए ओके okay? मैम ग्रामर कौन पढ़ाएंगे देखिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं है मैं यहाँ पर किसी को नहीं इतना जानती हूँ अभी आ, मुझे बस आपका पता है क्योंकि आप लोग मेरे साथ पहले से ही इंगेज हैं और अब हो जाएंगे तो आप देख लीजिएगा मुझे भी नहीं पता जैसे आपको पता चलेगा तो मुझे भी पता चल जाएगा लेकिन होप न क्योंकि यहाँ पर सभी टीचर्स अच्छे लाए जाते हैं ऐसा नहीं होता है कि आपको ऐसे ही लेवल के टीचर्स लाए जा रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट ही होंगे ओके तो मैं भी यहाँ पर आई हूँ ना तो बेस्ट हूँ तो वो भी होंगे तो डोंट वरी चलिए बातें नहीं बातें तो हमारी बाद में होती रहेंगी अभी स्टार्ट कर लेते हैं आपको ना रहनेस स्टार्ट कराने से पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये क्या है कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता जैसे किसी ने मुझसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कॉमेंट में पढ़ा हुआ था कि मैम आप ये बताइए कि जो एज होते हैं ये पीरियड्स होते हैं ठीक है जो इंग्लिश लिटरेचर में और स्पेशली जो आपके ये होते हैं क्या अंतर होता है तो इतना भी नहीं मतलब उनको पता था इस लेवल पे आने के बाद भी तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से लेकर चलूंगी तो देखो जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना ये पूरा जो मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से टॉपिक है ठीक है इसी के अंदर क्या होता है जैसे कि अपने जब आप इसको पढ़ते हैं पीजीएस को पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो वहां पर आपसे क्या पूछा जाता है प्राचीन काल के बारे में बताइए मध्यकालीन इतिहास को बताइए आप है ना तो काल आपसे बताए जाते हैं मुगल काल के बारे में बताइए तो ऐसे ही जो पीरियड्स हैं एजेस हैं वो किसी रूलर से कनेक्ट होते हैं ठीक है और जो मूवमेंट होते हैं वो स्पेशली इसलिए ऐसे होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति हुई थी यहाँ पर भी आपके जो बहुत सारे आंदोलन हुए थे ठीक है आजादी के लिए तो वो सारे आंदोलन इसी तरह से यहाँ पर भी ठीक है यहाँ पर भी क्या है लिटरेचर के अंदर भी हर चीज को चेंज होने के लिए जैसे जैसे सब चेंज होते चले गए लिटरेचर भी वैसे चेंज होती चले गई यानी कि सोसाइटी चेंज होती गई तो लिटरेचर भी चेंज होती चले गई तो उन्हें कहते हैं मोवमेंट तो दोनों अलग अलग चीजें हैं तो पहले हम देखेंगे कि पीरियड्स जो होते हैं एजेस जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है जो आपको पता होनी चाहिए अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपके सिलेबस में मैंशन होगा या फिर आपके राइटर वहां से होंगे तो चलो देखो जब ये चीज स्टार्ट होती है एक बार मैं थोड़ा सा ओवरलुक आपको बता देती हूँ okay, जी ज्योति जी सभी को एंड जी हाय कैसे हैं आप चलिए तो देखिए जब ये बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी कभी आप सोचो कि मैम जल्दी जल्दी बता रही हैं ये चीजें हमें समझ नहीं आ रही है ये समझाने के लिए आपको आना पड़ेगा कोर्सेज के अंदर वहां पर मैं अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को लेकिन आज का जो टॉपिक है थामने है वो है रेनेसा तो रेनेसा तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं तो चलो अब टू देखिए हम बात करते हैं यहाँ से 450 फिफ्टी तक ठीक है 450 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर स्पेशली कहाँ तक करेंगे हम देखिए डाक इसको मैं बता दूँ ये जो है आपकी यहाँ तक ठीक है इतना लिखाया मैंने आपको ये पूरा दिख रहा है ना आपको यहाँ पर आज तो ठीक दिख रहा है स्क्रीन पर कोई इश्यू तो नहीं है कल ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आपको दिख रही थी तो आप ये यह देखिए यहाँ पर देखो जो आपके पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ठीक है तो ये 450 से आप स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक आप चलते हैं 1500 तक तो ये क्या हो जाता है आपका डार्क एज ठीक है डार्क एज यानी कि डार्क एज इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर आपको कोई भी लिटरेरी वर्क ऐसा नहीं नजर आता जो वहां की जनता को इन्फ्लुएंस करे बहुत ज्यादा प्रभावित करे मोस्ट ऑफ लोग क्या कर रहे थे या तो कि जो आक्रमण वगैरह हो रहे थे इन इन्वेडर्स की वजह से परेशान थे जनता भी परेशान थी और स्पेशली कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई इस तरह की कह सकते हैं कि देशभक्ति भक्ति कह सकते हैं या फिर जनता के लिए कोई नई सोच थी ही नहीं और वो क्या कर रहे थे फॉलो कर रहे थे जैसे अरिस्टोटल वगैरह हैं या फिर उनसे पहले के भी थे तो उन लोगों को फॉलो कर रहे थे यानी कि चौसर को समझ लीजिए चौसर जो थे और वाइकलिफ जो है उन्होंने थोड़ा सा काम किया बट बाकी ऐसा ही कर रहे थे अरिस्टोटल को मत समझ लेना वो तो बहुत महा महात्मा आदमी है ठीक है 450, बोलते हैं इसको हम ये डिवाइडेड है आपको देखिए सबसे पहले जो इन्वेडर्स थे वो कौन थे एंग्लो सेक्शन थे तो तो इंग्लैंड पे तो ये टाइम पीरियड इनका है जिसको ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है फिर आते हैं इसके देखिए मेन जो आपके पॉइंट है ये पूछे जा सकते ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगी आप लोगों से जब मैं इसको पूरी तरह से पढ़ाऊंगी फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा मिडिल इंग्लिश ठीक है तो मिडिल इंग्लिश को पढ़ेंगे जब हम कि इसके अंदर आप देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे क्योंकि इस जो थे, वो यहां पर किया था तो उनका ही रूल था यहाँ पर आपके चोसर आते हैं। और जब आप नेट की भी तैयारी करते हैं कहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हैं ना तो वो यहाँ पर आएंगे आपके मिडिल में ठीक है मेडिवल से आप वो बिलोंग करते हैं आगे बढ़िए देखिए इसके बाद जो ये टाइम पीरियड है ठीक है जो ये इनका टाइम पीरियड है जॉफरी चौसर का मिडिल एज और इसके बाद आता है रेनेसा ओके कहां पर आया ये रेनेसा इस टाइम पर ये इंग्लैंड में आया है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सेंचुरी के अंदर रेनेसा आया है ये इंग्लैंड की बात हो रही है वैसे जो रेनेसा था क्या है रेनेसा ये मैं अच्छे से समझाऊंगी इसकी चिंता ना करना पहले एक बार देख लो कि कहा आता है रेनेसा तो सबसे पहला मूवमेंट ही मैं आपको पढ़ाऊंगी आज जो मैं आपको स्टडी कराऊंगी वो पूरा सबसे पहला मूवमेंट होगा जो कि क्या है रेनेसा जिसको हम क्या बोलते हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं फिफ्टीन लगभग आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी थी इंग्लैंड के अंदर और लगभग सिक्सटीन सिक्सटी नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर जीरो ही कर दीजिए क्योंकि तब तक तो इसकी बिल्कुल ही समाप्ति हो चुकी थी ओके okay. तो यहाँ पर जीरो कर लीजिए सोलह सौ तक तब तक क्या है कि रेनेसा रहा लेकिन फिर बाद में वो भी चीज क्या हो गई कि धीरे धीरे यहाँ पर डेक्लाइन हो गया था ठीक है तो रेनेसा के अंदर स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो हमें सब के बारे में पता होना चाहिए कि एलिजाबेथन के बारे में पता होना चाहिए इनके राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी विट्स यहां से पूछे जा सकते हैं जैकोवियन एज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ये सब रूलर्स हैं ये मोमेंट है रेनेसा ठीक है ये पूरा का पूरा मोमेंट है यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है ओके और यहां पर ये क्या है एलिजाबेथ जो थी उस टाइम पर वो रूलर थी तो इसलिए उनके नाम पर ही ये टाइम पीरियड है इसके बाद जैकोबियन जेम्स जो थे वो इस टाइम रूलर थे इसलिए इस एज एज का नाम है जैकोबियन इधर तो आना ठीक नहीं है इधर से ही आते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इनके राइटर्स मैंने बताए हुए हैं क्या ये सब मिल जाएगा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कोई इशू नहीं है और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास तो ये सब चीजें हैं ही कैरोन एज की बात करें तो यानी मतलब कि चार्ल्स फर्स्ट का रूल तो ये सब क्या है ये पीरियड्स हैं ठीक है ये एजेस हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये मोमेंट्स है ये चीज ध्यान रखनी है चार एजेस आएंगे इसके अंदर कॉमनवेल्थ पीरियड जो कि बहुत कम टाइम के लिए रहा था जब चार्ल्स फर्स्ट जो है उनको बेहेड कर दिया गया था ओके okay, इसके देखिए इसके बाद आता है आपका न्यू क्लासिकल एकदम से ही चेंज हो जाती हैं चीजें जो कि क्या हो रही थी अभी जनता को बता रही थी कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए गॉड से कैसे कनेक्ट होना चाहिए वो लोग बता रहे थे अभी कि कैसे क्या करना चाहिए क्लासिकल को नया बना देना चाहिए और जो सोसाइटी की डिमांड है उसको हमें फुलफिल करना चाहिए बाकी चीज हमारा चरित्र हमारा करेक्टर क्या कहता है वो चीज तो सेकेंडरी हो जाती है ओके नेक्स्ट देखिए इसके अंदर पढ़ने होंगे आपको बहुत सारा है डरना नहीं है बिल्कुल भी हर चीज में बहुत इजीली आपको कवर करा जाऊंगी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आप भी साथ में आंसर करते चलिए ठीक है जो भी चीज समझ आती रहेगी लगता रहे कि हाँ मैम रेस्टोरेशन के बारे में हम ये जानते हैं बताते चलिए अच्छा बता दीजिए रेस्टोरेशन एज को हम और क्या बोलते हैं ठीक है थीके? वैसे जॉन ट्राइडन जो है वो डोमिनेट करते हैं यहाँ पर इसके अंदर है इसके यहाँ पर डिविजन है रेस्टोरेशन ऑगस्टन एज नेक्स्ट है, है आपकी यहां पर एज ऑफ सेंसिबिलिटी या फिर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ओके okay, यहाँ से आपके बिलोंग करते हैं अलेक्जेंडर पॉप कुछ एजेस के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, आगे देखिए रोमेंटिक पीरियड आपसे पूछा जाएगा ओके okay, तो ये रोमांटिक टाइम भी है स्पेशली आप कहेंगे इसको ये आपका यहाँ पर किसी रूलर से कनेक्ट नहीं है तो ये मोमेंट का, का काम करता है रोमेंटिसम के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो था वो क्या था तो रोमांस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है ये ये बहुत ही डिफरेंट और यहाँ पर स्पिरिचुअल थिंकिंग है ओके okay? तो ये सारे राइटर्स यहाँ से बिलोंग करेंगे इनमें से कुछ राइटर्स आपके सिलेबस में आते चले जाएंगे उनको हम पढ़ते चले जाएंगे बात करेंगे फिर उसके बाद आएगी विक्टोरियन एरा ओके तो विक्टोरियन एरा में भी बहुत सारे मूवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि प्री राफेलाइट मिलता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा ओके okay? यहाँ पर देखिए एस्थेटिज्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा ये भी आपको जान आना चाहिए जब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ प्रीवियस ईयर कराती हूँ तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आते हैं या नहीं आते हैं तो ये भी आपको करना होगा ठीक है ये ऑथर्स हैं आपके यहाँ पर फिर इसके बाद हम शिफ्ट होंगे मॉडर्न पीरियड पर ठीक है जो मॉडर्निज्म था मॉडर्निज्म एक मूवमेंट है ओके ये ध्यान रखनी है बट यहाँ पर जो रूलर्स हैं एजेस की बात करें तो एडवर्डियन पीरियड पहले आता है उसके बाद में आप ये देखिए जॉर्जियन पीरियड इसके बाद जो किंग जॉर्ज थे वो यहाँ पर रूल कर रहे थे यहाँ पर किंग एडवर्ड रूल कर रहे थे तो ये देखिए इसके अंदर आएगा यहाँ पर ओके okay, एंड ये मेजर राइटर्स हैं इसके बाद आप देखिए कि मिडिल इंग्लिश पीरियड ये वहाँ से शुरू हो जाता है शुरू से ठीक है जब मैं आपको कोर्स के अंदर जिस जिसके कोर्स में जितना जहाँ से पूछा जाएगा उनको वहाँ से पढ़ाती हुई चलूंगी ठीक है अभी मैं आगे बढ़ती हूँ ये सारे मिडिल एज uh, के बारे में किस तरह से इंग्लिश की शुरुआत हुई जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी ब्लैक डेथ वगैरह के बारे में सारी चीजों को हम जानेंगे द हंड्रेड ईयर वॉर्स के बारे में जानेंगे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से ठीक है लिटरेरी मूवमेंट्स अब मैं लिटरेरी मूवमेंट बताने से पहले ये तो बता दूं कि आखिर इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए ये आपके माइंड में होना तो चाहिए कि लिटरेरी मूवमेंट आखिर होते क्या हैं? ओके okay, चलिए देख लेते हैं देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन बाई चांस कोई ऐसा हो सकता है कि ठीक है एग्जामिनर तो नहीं पूछ रहा लेकिन आपके कुछ दोस्त मिल जाते हैं ऐसे टीचर्स होते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि भाई ये तो बताओ कि ये क्वेश्चन वो उनको थोड़ा ऊपर से ऊपर से पता होता है इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं तो लिटरेरी मूवमेंट तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना तो आप देखिए अ लिटरेरी मूवमेंट ठीक है तो देखिए ये डेफिनेशन आपके सामने दिख सकती है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है है ना यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अ लिटरेरी पेन ले लू मैं जरा ओके अभी हम ब्लैक ले लेते हैं क्योंकि हमारा पूरा रेड में लिखा हुआ है तो आप ये देखिए हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम ओके तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिटरेरी मूवमेंट है ये ठीक है कैसा है जो लिटरेरी मूवमेंट होता है वो क्या होता है ये एक ऐसी बॉडी होती है लिटरेरी वर्क्स की जिसके अंदर इंक्लूडेड आपको मिलेंगे हम लिटरेरी के बारे में बात कर रहे हैं ना अगर हम किसी आजादी आंदोलन के बारे में बात कर रहे होते तो हम उस बारे में कहते हैं लेकिन आप ये स्पेशली कैसे मिलता है आपको जब आप किसी प्लेज को पढ़ते हैं नोवेल को पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नोवेलाज जो की नोवेल से शॉर्ट होते, है, होते हैं छोटे होते हैं स्टोरीज पढ़ते क्या होती है setting, period, आप ये पाए कि इस पर्टिकुलर एज में इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कुछ राइटर्स ऐसे थे जो सेम पैटर्न पर लिख रहे थे जिनके सेम क्या थे यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर की जो लिटरेरी वर्क्स थे इनके आप हमेशा पाएंगे जैसे मेटाफिजिकल है क्या पाएंगे वहां पर कंसीट का यूज पाएंगे नहीं पाएंगे आप मेटाफर का बहुत एक्सट्रीम यूज हुआ है ठीक है प्री राफेलाइट है तो वहां पर पाएंगे आपकी वो मेडिवल को फॉलो कर रहे हैं तो उनके क्या होता है है ये ग्रुप क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इनको पता होता है लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं जैसे कि आपके डॉक्टर जॉनसन हैं मैथ्यू आर्नोल्ड हैं टी एस एलियट हैं ये लोग जब एनालाइज करते हैं अपने प्रीवियस राइटर्स को तो फिर ये उसके बारे में एनालाइज करते हैं कि ये सारे जो राइटर्स थे पर्टिकुलर ये एक ही पैटर्न पर लिख रहे थे इनकी जो थिंकिंग थी वो सेम थी तो आप पाएंगे ये टुगेदर बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स यानी कि सारे के सारे जो फीचर्स होंगे यानी कि मेनली वही सारी टर्म्स को वो यूज कर रहे होंगे वही आइडियाज जो होंगे उन पर फोकस कर रहे होंगे सेम होंगे मतलब सच अ कॉमन परस्पेक्टिव एक ही नजरिया होगा चीजों को देखने का धर्म को देखने का हो सकता है रिलीजन को देखने का हो सकता है ठीक है हो सकता है सोसाइटी को देखने का इनका नजरिया सेम हो फिलोसफी ठीक है आइडियोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो मानसिकता है फिलोसफी है ठीक है तो वो क्या हो सकती है कि सेम आपको देखने को मिलेगी उनके आदर्श जो होंगे तो वो भी आपको सेम मिलेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्थेटिक उनका इंटरेस्ट जो होगा आर्ट का वो भी सेम सेम ही आपको दिखेगा स्कूल ऑफ थॉट थॉट्स होंगी जैसे कि आप मान लीजिए कि जब प्रॉब्लम प्लेस आपसे पूछे जाते हैं तो जॉर्ज बर्नार्ड शो के बारे में बात हो रही है दास वर्दी के बारे में बात हो रही है तो सेम मेंटेलिटी है ना सोशल इश्यू पर बात कर रहे हैं ना तो सेम थॉट होगी उनकी ओके एंड सोशल ठीक है समाज को देखते हैं एक ही तरीके से उस पर पॉइंट आउट करते हैं पॉलिटिकल एंड कल्चरल यहाँ पर लिखा हुआ है इन जो भी लिखा हुआ है ये ठीक है यहाँ पर मतलब कहने का मतलब करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ये ओके तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर उसको इंडिकेट करते हैं ठीक है तो सेम जब आपको मिलेगा जैसे मैं पढ़ाती चलूंगी जब मैं रेनेसम पढ़ाऊंगी तो आप पाएंगे कि वहां पर चर्च जो है स्पेशली जो प्रीस्ट हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है मेनली टारगेट ही यही है कि उन लोगों की बात नहीं माननी है है ना मेटाफिजिकल की बात करेंगे तो आप पाएंगे वहां पर कि वो लोगों को समाज में जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे कोई मतलब नहीं है उनको जो कंपैरिजन करने का शौक चढ़ा हुआ है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपर लेवल का कर रहे हैं यानी कि जो किसी ने सोचा भी नहीं वो एक्सट्रीम कंसीट का यूज कर रहे हैं मेटाफर का यूज कर रहे हैं ओके ऐसी प्री राइफेलाइट देखें चाहे एस्थेटिज्म देखेंगे आप तो सेम पाएंगे ये डेफिनेशन हो गई लिटरेरी मूवमेंट्स की होप्स हो कि अभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा लिटरेरी मूवमेंट्स में अभी आगे बढ़ेंगे आप लोगों को आएगा लगे रहोड हम तो एग्जाम्पल में दो ईयर हो गए हैं देखिए मैं तो अभी आई हूँ यहाँ पर सर, सर ने याद किया तो हम यहाँ पर आ गए ठीक है यहाँ पढ़ाने के लिए ओके तो मुझे देखते हैं कितने साल होते हैं यहाँ पर कैसी चीजें रहती हैं बट अभी तो यहाँ पर हम रेनेस्थान पढ़ लेते हैं ठीक है रहने की बात करेंगे रहने क्या होता है हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को हिंदी जानने का बहुत शौक होता है मैं मना करती हूँ कि हिंदी नहीं आपको आनी चाहिए इसमें क्योंकि हिंदी अगर आप क्या करते हैं उसको जानते हैं डेफिनेशन को अवॉइड कर देते हैं फिर और एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है तो हिंदी की बजाय डेफिनेशन डिफाइन करना सीख लो तो वो ज्यादा बेटर होगा रहने और रिफॉर्मेशन सबसे पहले रेनेसा की बात कर लेते हैं ठीक है ओपो ठीक है यहां तक लेंगे पहले देखिए लिखा है यहाँ पर आपके रीबर्थ रिबर्थ मींस की, की पुनर्जागरण चीज का पुनर्जागरण है? है ऐसा नहीं लोगों का हो रहा है, है हमारा जितना भी जैसे कि आप एक किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके अंदर बहुत जोश है धीरे धीरे एज बढ़ती चली जाती है सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर हो सकता है कि कोई समाज में बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो आपको ट्रबल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक टाइम को अगर आप मतलब बहुत ज्यादा अंदर से या फिर मोटिवेटेड नहीं है अगर आप उसके के आगे हार मान गए तो वो क्या चीज हो जाती है वो कहीं दब जाती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे बहुत लोग मुझसे कमेंट करते हैं मतलब मुझसे कहते हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को वो कहते हैं कि मैम हम तो तैयारी छोड़ ही चुके थे बट जैसे आपकी वीडियोस देखना शुरू किया है मन लगने लगा है बहुत ज्यादा और अभी फिर से वही जोश आ गया है कि अब क्या तो हम करके ही रहेंगे मतलब इस बार उनको यकीन है कि वो करके रहेंगे तो उनके अंदर क्या हुआ कि वो जोश फिर से आ गया वो जो एंथ्यूज है वो फिर से आ गया है तो ऐसे ही यहाँ पर जब ये टाइम चल रहा था इतने सारे आक्रमण इंग्लैंड पर हो रहे थे तो क्या हुआ था कि यहाँ पर इन लोगों के बीच में जो अंदर मन की जो स्थिति थी वो ये नहीं चाहते थे किसी को भी इंस्पायर करना जो स्पेशली राइटर्स हैं, वो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था और चर्च जो था वो डोमिनेट कर रहा था यानी कि जो राइटिंग भी थी लाइब्रेरी थी वहाँ हर जगह क्या था वहाँ हर जगह चर्च की सत्ता थी तो वही चीजें बाइबल वगैरह जो है वो अपने हिसाब से ही ट्रांसलेट करते थे तो ऐसे और ना ही लोगों को इजाजत थी जैसे कि आपने देखा है मोरल्टी प्लेस हैं, मेरेकल प्लेस हैं तो लोगों को इतनी परमिशन नहीं थी कि वो लोग क्या कर सकें कि वो एक ऐसी राइटिंग लिख सकें जो मतलब उनको खुद uh, अपने आप उनका मन कर रहा है लिखने का वो चाहते थे कि वो ऐसी हो जो हमेशा ही क्या करे चर्च वगैरह की प्रेस्ट की प्रेज करे ठीक है ऐसी राइटिंग हो मॉरलिटी से बेस्ड हो तो ये चीज चल रही थी तो इससे क्या हुआ जब आपको देखिए क्या होता है जब हम खुल के काम करते हैं मतलब जब हम इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा बेहतरीन काम करते हैं हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से चलता है बट जब हमारे हम बाउंडेड हो जाते हैं किसी चीज के अंदर किसी ने हमें बाउंड कर दिया कि आपको इतना ही टाइम पढ़ाना है इतना ही टाइम ये करना है ठीक है आप अभी इसमें नहीं कर सकते आप ये नहीं चीज कर सकते तो क्या होता है तो हम फिर वो एक ड्यूटी एक फॉर्मेलिटी करने लगते हैं वो चीज जो है हमारे अंदर से वो जो हमारा Uh, हमारे अंदर uh, मतलब जो टैलेंट होता है ना कहीं ना कहीं वो वर्क करना ही बंद कर देता है तो ऐसा हो जाता है तो यही इनके साथ में हुआ था यहाँ पर क्या हो चुके थे सो चुके थे सब लोग ऐसा कहा ऐसा माना जाता है चौसर के बाद में यहाँ के जो राइटर्स थे वो सो गए थे बस फॉलो कर रहे थे बाकी वो कुछ नहीं कर रहे थे ठीक है तो जब वो कुछ नहीं कर रहे थे तो वो क्या हुआ कि रिबर्थ होता है अब रिबर्थ हुआ क्यों ऐसे नहीं होता रिबर्थ की इंसान को वैसे ही आ गया कभी कभी किसी को देख के हो जाता है जैसे मैंने बताया ना कि बोलते हैं कि मैम आपको देख के हमें लग रहा है कि कर लेंगे अब चीजें हो जाएंगी मतलब देख के यानी का मतलब है कि जब वो पढ़ने लगते हैं ठीक है देखने से किसी के कुछ नहीं होता है पढ़ाने से पढ़ने से होता है लगता है कि ये थोड़ी मेहनत मैडम कर रही हैं इनके साथ थोड़ी मेहनत हम करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा मेरे अकेले कराने से कुछ नहीं होने वाला है होगा आपके करने से ही जितनी क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पढ़ रहे हैं क्लास में भी ऐसे ही होता है क्लासरूम के अंदर भी तो क्या होता है ऐसे ही होता है ना कि एक टीचर जो है अब तक आप पढ़ते हुए आए हो भाई शुरू से तो क्या हमारे सारे ही बच्चे क्या हमेशा टॉप करते थे कुछ बच्चे आपको देखते होंगे बैक बेंचर्स होते होंगे और स्पेशली वो फेलियर्स में होते होंगे उनको बस खींच खींच के पास किया जाता होगा पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर है लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं तो आपको क्या समझना होगा कि यहाँ पर टीचर के साथ साथ में आपकी मेहनत भी चाहिए आपका साथ चाहिए तभी जाके वो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी सफलता मिलेगी आपको सफलता मिलेगी तो मेरा नाम भी तो ऊंचा होगा है ना तो आपको भी मेहनत करनी है तभी बात बात बनेगी अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी रिबर्ट की बात करते हैं तो रिबर्ट अब ये जान लीजिए कि कौन आया इनकी लाइफ में क्या हुआ जो यहाँ पर हर चीज जो है दोबारा से मोटिवेटेड फील करने लगे तो रिबर्थ और रिवाइवल ऑफ ग्रीक आर्ट जो ग्रीक आर्ट थी स्पेशली वो हिडन हो चुकी थी छुप चुकी थी इटली की बात चल रही है ग्रीक इसलिए बोला मैंने क्योंकि इटली में आया था जो रहने से आया था सबसे पहले वो कहाँ आया था वो इटली के अंदर आया था इसलिए मैंने ग्रीक की बात की है ठीक है जो ग्रीक आर्ट थी लिटरेचर थी कल्चर था ठीक है वहां का एंड पैटर्न ऑफ लाइफ जीवन जीने का जो तरीका है वो क्या हो चुका था वो यहाँ पर बहुत हद तक बहुत ही लो जा चुका था क्यों जा चुका था

तो ये क्या हुआ जो टर्किश जो इन्वेडर्स थे ठीक है जो तुर्की जो तुर्कों का आक्रमण चल रहा था बार बार वो लोग लो क्या करते थे लूटपाट ये सब चीजें चलती थी डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने तो यहाँ पर उनकी जो आ, सोच थी इमेजिनेशन थी वो क्या हो गई बस इस चीज में सिमट के करेगी कैसे अपना बचाव करें है ना तो ये चीज हुई यहाँ पर अभी इससे बाहर कैसे निकले हुआ क्या तो हुआ ये कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये आपसे पूछा जाएगा मेन रीजन क्या था मेन रीजन था 1453 के अंदर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कस्तून तुनिया जो थी ठीक है तो वहां का उसका जो फॉल हुआ यानी कि उस पर जब यहां पर आक्रमण होता है तो क्या होता है एक सेकेंड देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर देखिए हाइड हो जाता है ठीक है यहाँ पर पैन है ये तो यहाँ इस लिखा हुआ है आजकल आप मूवीज वेब सीरीज देखते होंगे देखिए एक दो वेब सीरीज तो मैंने देखी मुझे बड़ी अच्छी लगती है जैसे कि फुल मून है तुर्की टर्किश सीरीज ही है ठीक है तो बड़ी अच्छी है मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी तो ये जो नाम जगह ले जाती है ना यही आज के टाइम में यही क्या था वो क, 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 क्या था आपका कॉन्स्टेंटली था यानी कस्तुन दुनिया था ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है इसका फॉल होता है यहाँ पर आक्रमण होते हैं तो यहाँ पर माना जाता था इस टाइम पीरियड पर बहुत ही विद्वान लोग जो थे यहाँ पर थे ठीक है मतलब वो लोग जो है यहाँ की जो आर्ट था कल्चर था वो बेस्ट चल रहा था लेकिन जब यहाँ पर ऐसा हुआ तो ये यह यहाँ से भागे है ना तो ये आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम क्या कह सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है वॉज द कैपिटल ऑफ द रोम है ना जो रोम थी वहां की उसकी कैपिटल कह सकते हैं और इसके बाद में क्या है कि इसको आप दूसरा अदर नेम देना चाहें तो बाइजेंटाइन एम्पायर कह सकते है? हैं लेटिन एम्पायर ठीक है ये सब यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ओके फिर ये अंकारा में चेंज हुई एंड तुर्किश वॉर जब इस ये इंडिपेंडेंटली क्या हुआ स्तानबुल में चेंज हो गया था हुआ क्या यहाँ से यहाँ से जो ये ग्रीक आर्टिस्ट थे ठीक है आर्टिस्ट हैं स्कॉलर्स हैं रोम है ना तो इसलिए ग्रीक आर्टिस्ट हैं स्कॉलर्स हैं पोएट्स और फिलॉसफर्स ये क्या हुए यहाँ पर यहां से ये भाग कर ठीक है तो ये क्या हुए फ्रॉम ग्रीक कैरिट विद मतलब कि कि वो यहां से भागे और इन्होंने शरण ली पर यहां पर आकर आकर ये आ गए यानी इटली के अंदर आए और इन्होंने क्या किया इनके साथ जब ये आए थे क्योंकि जिसकी जो प्रीशियस चीज होती है वो उसको लेकर आते हैं तो ये अपने साथ में इनके साथ में बुक्स थी बहुत सारी जिन्हें ये अपने साथ में बचा ले आए थे एंड स्क्रिप्ट थी इनकी ठीक है और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि क्या करते थे जैसे कि इनके होता ना कुछ स्कल्पचर होते हैं ओके और बहुत सारी चीजें जो आपके आर्ट और कल्चर को डिफाइन करती हैं वो सारी चीजें इनके साथ में थी वो लोग यहाँ पर आए कुछ लोग जेलों में बंद कर लिए गए थे यानी कि बहुत सारे कैदी भी थे तो क्या हुआ कि उनका इम्पेक्ट इन पे पड़ने लगा जब लोगों ने इनके साथ मिले इनके से सीखा इनकी चीजें जब ये लोग बड़े बड़ी बड़ी बातें करते थे बहुत अच्छे जीवन के बारे में बताते थे तब इन्होंने सोचा कि हमारे पास भी तो अरिस्टोटल और ये सब लोग हैं ठीक है थीके? हम क्यों नहीं इनसे सीखते हैं तो तब ही जाके थोड़ा सा क्या हुआ बदलाव शुरू हुआ जब इनकी अब ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इनकी बुक्स में जो लिखा था वो इनकी बुक्स में नहीं लिखा था जो इंग्लैंड है इटली है इन सब में कह सकते हैं कि ये लिखा था बुक्स में कि चर्च जो है वो सर्वोपरि है वही भगवान तक जाने का रास्ता है ठीक है अब क्या हुआ कि जब इनका है तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है ऐसा रियलिटी बताई जा रही थी अब जब ये रियलिटी सामने आती है तो सोचा कि हाँ थोड़ा दिमाग हम भी तो लड़ाए तो जब ये दिमाग लड़ाया गया तब होता है ये रिबर्ट पुनर्जागरण ठीक है तो ये इनके इंपैक्ट में जो ग्रीक आर्टिस्ट हैं ठीक है थीके? जब ये फ्लैट होके आए कहां से स्पेशली जो कॉन्स्टेंटिनोबल है यहां से आए थे कस्तुन दुनिया से तो उनका इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा था ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके okay. ये छोटा है शायद दिख रहा मेरे ख्याल से दिख जाएगा नहीं तो मैं समझा ही रही हूँ कुछ देखिए पॉइंट्स देखिए पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में ओके okay, देखिए लिखा है पर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड अब जब ये चीज हुई तो लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है ना जब ये अंधकार की पट्टी हटी उनके जो ये फेथ थी तो इसकी पट्टी उनकी आंखों पर से हटी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी क्या करें चीजों को देखें तो उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया आखिर ये जो दुनिया है संसार है वो है क्या क्या ये चर्च के लोग चला रहे हैं क्या इनके हाथ में ही पूरा अधिकार है ये जो प्रीस्ट हैं आपके मैन है ठीक है पोप स्पेशली पोप जो है क्या पोप जो है वही सर्वोपरि है क्या वो भगवान का आप कह सकते हैं भेजे हुए दूत हैं तो ये सब चीज इन्होंने सोचना शुरू कर दिया रादर देन सिंपली रिलाइंग टू ट्रेडिशनल चर्च टीचिंग उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो चर्च के द्वारा टीचिंग की जाती थी जो चर्च के लोग पढ़ाया करते थे स्पेशली उनके हाथ में ही था टीचिंग भी एरिया सारा ओके जैसे आप हमारे यहाँ भी देख सकते हैं कि पुराने टाइम में क्या था आश्रम जो होते थे वहीं पर सब पढ़ने जाते थे स्पेशली वो अपने अपने धर्मों की शिक्षा भी लेते थे है ना ऐसा नहीं था कि वो हर चीज की ले रहे हैं शिक्षा तो उनको टैलेंट भी सिखाया जाता था तो हमारी शिक्षा जब मैं पढ़ती हूँ तो हमारी तो बहुत अच्छी थी जो आश्रम की थी क्योंकि उसमें क्या होता था कि आपको यहाँ पर आपको अंदर जो स्किल है वो भी डेवलप की जाती थी यानी कि पढ़ाया तो आपको जा ही रहा है ठीक है और सेम स्तर पर पढ़ाया जा रहा है कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है सबको भिक्षा मांगनी होती थी एंड साथ में जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाया जाता था कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं बट वो तो कहानी किताबों में होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं तो यहां पर जो चर्च की टीचिंग थी उसको अवॉइड किया गया खुद का ऑब्जर्वेशन डेवलप किया गया ठीक है ये पॉइंट हो गया आपका लाइक द ग्रीक्स जो एंशियंट ग्रीक्स थे जो प्राचीन ग्रीक्स थे प्राचीन ग्रीक की बात कर रहे हैं रेनेसा इन द पावर ऑफ ह्यूमन अभी उनको यहां पर विश्वास होने लगा की असली ताकत तो ह्यूमन में है वो तो हर किसी में ही है किसी स्पेशल पॉप में नहीं है किसी कलर्जी में नहीं है किसी स्पेशल चर्च में जाकर नहीं हो सकती है ये तो हर किसी के अंदर है तो इन्होंने यहां पर फोकस करना शुरू किया ह्यूमन पर ठीक है यानी कि खुद पर यहां पर कि रीजन

आपने देखा होगा कि जब कोई भी बदलाव आता है तो उसमें क्या किस चीज का रोल होता है मूवीज का होगा कोई हो सकता है कि पेंटिंग्स है पिक्चर्स है ठीक है कोई स्पीच हो सकती है तो इन सब का क्या होता है प्रभाव होता है तो लियोनार्डो द विंशी बहुत बड़े फेमस पेंटर हैं आज भी आप देख सकते हैं कि इनकी जो पेंटिंग्स हैं कि कितनी वैल्यू है उनकी तो आप देख सकते हैं उन्होंने दो पेंटिंग्स बनाई थी मोनोलेसा ठीक है द लास्ट सपर तो जो ये पेंटिंग है द लास्ट सपर इसके लिए ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा कि मोनोलिजा जो है ये किसने बनाई है और ये पूछा जाएगा लास्ट सफर जो है ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई क्या मतलब है इसका एक्चुअली जो लास्ट सफर है इसमें ये बताया गया एक पेंटिंग पेंटिंग के थ्रू जब आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो ये इंडिकेट किया गया है आपको um, मैम रेड वाले वर्ड को एक बार ऊपर लिख दो पता नहीं कौन सा रेड वाला वर्ड था ठीक है चलिए पैन को दूसरी तरफ कर दो मैम हाँ मैं भी सोच रही थी ये वैसे किस तरह से जाता है आई देखिए अच्छा ओके ओके चलिए इसे लेके जाते हैं हम थैंक यू बताने के लिए चलिए इसे इधर कर देते हैं काम ही खत्म हो तो गया क्योंकि बहुत सारी पीपीटी मेरी इधर ही बनी हुई है ये मैंने खुद मेरी हैंडमेड है मैंने खुद बनाई हुई है तो मुझे मेरी इस तरफ ही बनी हुई है तो क्योंकि मुझे इस तरफ से ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो देखिए लिखा है यहाँ पर कि जो रोनाडो विंशी हैं इन्होंने लास्ट सपर लिखा था ठीक है तो अभी क्या हुआ है लास्ट सफर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जैसे कि मान लीजिए ये रिच है ये पुअर है वो ये पॉलिटिशियन है ठीक है और ये कोई कह सकते हैं तब तो रिक्शा नहीं चलती थी बट ये क्या कह सकते हैं कि आप कोई ऐसा नॉर्मल बहुत सारे जिसमें बड़ा होता है ना कि बहुत सारी कास्ट में बटे हुए होते हैं तो वो सारे सेप्टर सेप्टर लिख लेते हैं हम यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं आफ्टर डेथ लास्ट सफर है ना आफ्टर डेथ जब डेथ हो जाती है तो उनको दिखाया गया है कि वो एक ही टेबल पर ठीक है एक ही टेबल है कुछ यहाँ पर लेटे हैं कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं वो सब के सब क्या है कि एक जगह पर खाना खा रहे हैं कुछ मतलब बड़ी अजीब तरीके से खा रहे हैं तो वहां पर उनकी स्थिति एक जैसी दिखाई जाती है तो उससे ये बताया जाता है कि जो ये पॉप है स्पेशली पॉप का भी लिख लेते हैं यहाँ पर ठीक है और स्पेशली चर्च में जो जितने भी लोग काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग जो है ये आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा देंगे मरने के बाद आपको एक ही जगह ले जाया जाएगा एक ही जगह आप जाओगे वो कहाँ होगी आपकी ग्रेव ठीक है कई फिट नीचे अंधकार में वहां पर आप जाने वाले हो चाहे आप कुछ किसी भी उस पर रहते हो ठीक है तो ये चीज जब बनी तो इसका इम्पैक्ट लोगों पर बहुत पड़ा ऐसा माना जाता है तो ये लास्ट सबर को आप ध्यान रखेंगे आगे देखेंगे देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर ओके चलिए इसको मैं इस तरह से ही कर देती हूँ आगे देखिए देखिए फिर माइकल एंजिलो की बात करेंगे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बताते चल रही हूँ आपको मैन ऑफ द फोकस कॉन्स्टेंटी के बारे में पूछा जाएगा माइकल एंजलो के बारे में आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो ये भी क्या थे ये भी एक आर्टिस्ट थे ठीक है तो इनकी भी आर्ट जो आर्ट थी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कुछ इनके वर्क है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके इन्होंने स्कल्पचर बनाए हैं यहां पर डेविड है मोजेज है एंड द पेटा ठीक है तो स्पेशली इन्होंने भी क्या किया था और माइकल एंजलो की जो पेंटिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा फेमस थी आप ये देखेंगे कि जो लव सॉन्ग ऑफ जे प्रोफोक है है ना तो वहां पर भी जो किसकी बात चलती थी मतलब पसंद करते थे माइकल एंजलो के बारे में बात करना ये भी क्या था एक हाई स्टेटस की बात होती थी कि अगर उनके बारे में उनकी पेंटिंग्स आपके घर में है ठीक है उनके जो आर्ट है तो वो कुछ आपके घर घर के अंदर मिलता है या फिर उसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होती थी तो ये यहाँ पर इनका इम्पेक्ट पड़ता है आगे बढ़ते हैं अब इधर देख लेते हैं हुआ क्या कि यहाँ पर जब इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर शुरू की देखा तो जाना डिसबिलीव इन चर्च ठीक है तो यहाँ पर इनको क्या हुआ कि जो चर्च है उनके उनमें इनको डिसबिलीव हुआ यानी कि अभी उनको क्या लगा कि नहीं ये शायद हमसे झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ चीटिंग की जा रही है तो मेनली ये चीज आपको देखने को मिलती है डिसबिलीव किस किस तरह से हुआ आप देखिए यहाँ पर नाम आता है पेट्राक का पेट्राक को तो बहुत अच्छे से जानते हैं अभी मैंने जस्ट समझाया था सोनेट में ठीक है बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है जो पेट्राक है पेट्रा क्या करते फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है इनको ठीक है क्योंकि इन्होंने ही ये बोला कि जो फोकस है वो कौन है ह्यूमन होना चाहिए ठीक है मानव अधिकारों का हनन कहीं भी नहीं होना चाहिए स्पेशली तो आप ये देखिए कि कलेक्टेड एंड स्टडीज स्टडीड एशियन टेक्स्ट तो ये भी

है ना क्या लिखा गया है हमारे वेदों में क्या चीज हमारे रामायण में लिखी गई है किस तरह से उसको दिखाया गया है वो चीज वो भूल चुके हैं ठीक है अभी क्या है कि जनता जागरूक दिख रही है यहाँ पर लेकिन वो लोग नहीं दिख रहे वो सोच रहे हैं कि जो हम दिखाएंगे वो दिख लेंगे लेकिन जनता क्या कर रही है थोड़ी सी जागरूक हो रही है चीजों को लेकर कह रहे हैं कि ठीक है आप कोई चीज लिख रहे हो तो उसमें इतना चेंजेस थोड़ी कर दोगे की आप एक रावण को जो की महाज्ञानी आदमी था उसको आप राक्षस की तरह दिखाओगे ठीक है आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि उसको मारा क्यों गया था तो ऐसा करके ये क्या करने लगे जैसे इन्होंने क्या किया कि प्राचीन टेक्स्ट को पढ़ा तो हम क्या करें इस चीज से बाहर निकलने के लिए कि हमें ये सब दिखाया जा रहा है हम रियल महाभारत पे चलते हैं रियल हम उस उसपे चलते हैं अभी हम खुद से पढ़ेंगे खुद से एनालाइज करेंगे ठीक है तो वही चीज पिट्राक ने की थी पिट्राक ने यहाँ पर बहुत स्टडी की उन्होंने फिर क्योंकि इनका इम्पेक्ट था इनकी राइटिंग्स पढ़ी जाती थी इन्होंने यहाँ पर अदर रेनेसांस ऑथर ऑन सेक्युलर सेक्युलर मतलब नॉन सब्जेक्ट अलाउ नहीं था ये देखो बच्चों बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट पर बात कर सकें या लिख सकें आप कोई परफॉर्मेंस देंगे कोई थिएटर की परफॉर्मेंस हो रही है वैसे तो उस टाइम पर ओपन थिएटर होते थे तो वो परफॉर्मेंस भी आप दे रहे हैं तो आपकी स्पेशली वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर धर्म के गुणगान करते हुए होनी चाहिए और वो भी स्पेशली चर्च के धर्म भी ऐसा जो अपने फायदे के लिए बनाया गया हो ऐसा धर्म नहीं

पता नहीं क्या क्या चीजें होती यहाँ चढ़ावा चढ़ाव वो चीजें हो जाना तो वो धर्म जब अपना क्रिएट कर लिया जाता है तो वो क्या हुआ यहाँ पर क्या इसका विरोध हुआ नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट पर लिखा जाने लगा यानी कि जो उससे अलग थे डिफरेंट थे डिस्क्राइब द डिग्निटी ऑफ मैन क्या स्ट्रेंथ है मैन की तो वो बताई जाने लगी आपको प्लेजर ऑफ सेंसेस जो हमें ऐसा नहीं है कि हर चीज हम उनके अकॉर्डिंग करेंगे जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी प्लेजर पर भी हमें ध्यान देना चाहिए यानी कि उन, वो उनको किस चीज में सुखद अनुभव होता है ठीक है इसको रॉन्ग सेंस में नहीं लेकर जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है स्पेशली यहाँ पर ओके okay, किसी के दिखाए दिखे दिखाए रास्ते की बात नहीं चल रही है यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्या है वर्णाकुलर लैंग्वेज आप ये देखिए कि वर्णाकुलर लैंग्वेज अगर यूज की जा रही है तो बकेशियो की बात करेंगे हम जैसे कि मैनी राइटर्स बकेशियो हैं अपने शेक्सपियर हो गए ठीक है और वो काफी सारे राइटर हैं एक्चुअली उन्होंने क्या किया था चौसठ भी माने जाएंगे इसमें आप कह सकते हैं तो अगर Uh, उन्होंने मतलब किया था राइटिंग में थोड़ा सा उनको आपको देख इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है कि उनको पढ़ो तो ये लोग क्या कर रहे थे जैसे कि आप ये देखिए कि अगर हम अभी जैसे संस्कृत की नॉलेज कम है जो हम सब हैं मुझे भी खुद भी नहीं है ठीक है कभी हमने पढ़ा था पढ़ती, पढ़ती बस उतना ही याद है अभी याद नहीं है हो सकता है कि आपको भी नहीं हो लेकिन बहुत कम है ऐसे अब क्या हो कि उसी चीज को जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश ही है अब इंग्लिश में ही सारी चीजें होने लगे सारी चीज लिखने लगे तो हमारी जो, मे, जो मेजोरिटी है जितनी जनता है उससे वो चीज़ अनछुई रह जाएगी फिर उसको कोई ट्रांसलेट करके बताएगा है ना और वो ट्रांसलेट गलत वे में भी कर सकता है ठीक है तो आप क्या है कि यहाँ पर इन राइटर्स ने क्या किया शेक्सपियर की लैंग्वेज आप देखेंगे बकेश्यो हैं इन्होंने क्या किया अपनी राइटिंग को लोकल बना दिया जो जनता की जैसे कि अभी क्या है कि हम आ, बहुत सारे आप देख सकते हैं कि हिंदी में बहुत अच्छे से बोलते हैं आ, उन्होंने शुरू कर दिया इंग्लिश को बिल्कुल अवॉइड कर दिया अपनी बात को ज्यादा अच्छे से पहुंचा सकें तो उन्होंने क्या किया कि हम अपनी मदर लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि हमारी बात जो है ज्यादा अच्छे से जा सके तो क्या हुआ कि जो ये इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया अब जब लोकल लैंग्वेज का यूज होगा तो बात कितनी जल्दी फैलेगी बहुत तेजी से फैलेगी है ना तो वही हुआ यहाँ पर अब तक ये लोग बड़े तेज थे ये नहीं बात करने देते थे ये लेटिन भाषा थी ठीक है आपकी आ, फ्रेंच हो गई इन्हीं में बातें होती थी इन्हीं में ही जो आपको मटेरियल था वो उपलब्ध होता था इंग्लिश को गवारू लैंग्वेज माना जाता था जो इंग्लिश थी वो लोग बोलना पसंद नहीं करते थे उनको लगता था कि ये इंग्लिश जो बोल रहे हैं ठीक है तो वो क्या है एक बिल्कुल ही गवारू लो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसमें बात नहीं होगी लेकिन शेक्सपियर ठीक है और ये बकैश वगैरह जो है आपके चौसर भी कह सकते हैं उन्होंने लोकल लैंग्वेज में बात की और लोगों को अब समझ में आनी शुरू हो गई लोगों ने क्या किया और स्पेशली आप देखेंगे मैं बताऊंगी अभी आपको यहां पर एक एक चीज और मेन है देखिए एक चीज ये है प्रिंटिंग प्रेस और स्पेशली मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस तो जो ना, जो आपके ये गुटनबर्ग है अभी आप कहेंगे कि मैम आप गुटनबर्ग का नाम ले रही है प्रिंटिंग प्रेस में हमें तो कुछ और ही सुना है ठीक है एक मिनट में पानी पी लू जरा इतने आप मुझे बताइए कि अः जो प्रिंटिंग प्रेस है इंग्लैंड में वो किसने चालू की थी यानी कि फर्स्ट बुक जो है वो किसने प्रिंट कराई थी इतने आप आंसर कीजिए मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ठीक है बताओ कमेंट भी देख रही हूँ मैं आप लोगों की एक आप उस तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी मुझे तो सब दिख रहा है स्क्रीन पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है ठीक है बाकी लैपटॉप चला लीजिए अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध हो तो देखिए इंस्टेंट वर्किंग है ठीक है तो यहाँ पर जो पीपीटी आगे नेक्स्ट बनाए जाएंगे तो मैं उनको बड़ा वाइड करा दूंगी जिससे आपको और आसानी हो जाएगी ठीक है हाँ कैक्सटन का नाम ठीक है मुझे याद है ठीक है फोर्टीन सेवेंटी सिक्स वेरी गुड देखिए कैक्सटन को याद रखेंगे लेकिन इंग्लैंड के लिए याद रखेंगे अभी हम इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं जर्मनी है सबसे पहले जर्मनी के अंदर क्या हुआ जो जोहान जो आपके ये जोहान गुटेनबर्ग हैं इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो डेवलप कर दी ठीक है मैं थोड़ा आराम से बोलूंगी मुझे भी लगता है कभी कभी कि मेरी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाती है ठीक है बोलते बोलते ठीक है वो खानसर वाली बात हो रही है जब वो बोलते हैं ना तो वो ऐसे ही लगता है कि वो बहुत तेज बोले जा रहे हैं ठीक है <laughs> मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ मैं भी बहुत तेज बोलने लग जाती हूँ ठीक है मैं स्पीड स्लो कर लेती हूँ वैसे साउंड तेज रखती हूँ तो आप ये देखेंगे जोहान जो, जो गुटेनबर्ग हैं इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में 1450 में डेवलप कर दी जो कि मूवेबल थी इससे क्या हुआ कि जो कॉपीज थी जो ये वर्क लिखे जा रहे थे ठीक है ये कॉपीज जो थी बहुत सारी बनने लगी ठीक है बहुत प्रिंट होना तो आसान है लिखना मुश्किल होता है कितनी कॉपीज बनाएंगे आप लोग तो ये क्या हुआ कि द इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप अलाउड जैसे कि मान लीजिए कि हर एक वर्क को क्या हो जाए जैसे कि रिच डैड है पुअर डैड है अब इंग्लिश में पढ़ेंगे आप तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा अब उसी को क्या है कि कोई हिंदी में बिल्कुल लिख के दे दे तो पढ़ लेंगे ना सब लोग फटाफट से तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख के दे दिया लेटिन फ्रेंच को छोड़ दिया तो वो चीज स्प्रेड होने लगी तो इसका बहुत बड़ा हाथ था प्रिंटिंग प्रेस का ठीक है ये चीज आप ध्यान रखेंगे ये आई थी किसने गुटनबर्ग का ध्यान रखेंगे कहां पर जर्मनी में लेकिन जब इंग्लैंड की बात आएगी तो आप किसका नाम ध्यान रखेंगे विलियम कैक्सटन का नाम ध्यान रखेंगे ठीक है तो उनकी बात भी हम करेंगे आगे बढ़ते हैं आगे चल देते हैं देखिए ये बहुत लंबा टॉपिक है इसी वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है ठीक है अभी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख के चलेंगे तो दिख जाएगा आप लोगों को चलिए देखिए विलियम केक्स्टन की के हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आ, वो हो चुकी है अभी हम बात करते हैं मैकेबली जो मैकेबली है आपने उनको देखा होगा तो एक्चुअली उन्होंने क्या बोला यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया इन्होंने अपनी जो इनकी बुक थी द प्रिंस ठीक है इस प्रिंस में इन्होंने गाइड किया कि देखिए पहले ये माना जाता था कि कंट्रोल किसका था जैसे कोई किंग है है ना जैसे कोई किंग है रूल कर रहे हैं तो क्या होता था कि उनको माना जाता था कि जो पॉप है उनके अकॉर्डिंग ही वो चलते थे अगर वो कहते हैं कि युद्ध करना है तो करना है नहीं करना है तो नहीं करना है इस दूसरे राजा के साथ में हाथ मिलाना है तो मिलाना है नहीं तो नहीं मिलाना है ठीक है सारी चीज उनके फैसले उनके ही हुआ करते थे लेकिन अभी जब मैकियावली आते हैं उन्होंने प्रिंस लिखी उन्होंने बोला इसके अंदर स्टेटमेंट देते हैं कि हाउ टू सिक्योर एंड मेंटेन पॉलिटिकल पावर कि किस तरह से हम यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर को सिक्योर करें ये कोई गारंटी नहीं है कि जो पॉप हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चीज सही जाएगी तो इस डायरेक्शन में सही जाएगी अगर ऐसा होता तो कोई रूलर जो है वो कभी भी अपने जो रूलर है उसको खोता ही नहीं ठीक है तो यहां पर इन्होंने बोला कि कैसे सिक्योर करें इन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आप कैसे सत्ता में रह सकते हैं तो कैसे रह सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर हाँ इन्होंने बोला यहाँ पर कि मैं, इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया इन्होंने बोला कि अगर जो मोस्ट सक्सेसफुल रूलर है वो वो नहीं है जो के अकॉर्डिंग चल, चल रहा है जो, जो यहाँ पर जो रूल बना दिए गए ठीक है उससे जो इनको बताया जा रहा है उससे चल रहा है बल्कि कौन है बल्कि वो है बट दोस्ट हु टू डू वॉट एवर वॉज टू होल्ड पावर वो वो है ठीक है जो सत्ता में जो भी चीज जिस टाइम नेसेसरी है वो उस चीज़ को करने को तैयार हो चाहे उसमें उसे किसी का कत्ल करना है ठीक है अपने बहुत नियर डियर चाहे किसी के विरुद्ध जाना है तो उसे पता हो कि बिल्कुल हमें इंस्टेंट मूवमेंट मूवमेंट पे क्या डिसीजन लेना है ओके चाहे वो रूढ़ हो चाहे किसी के खिलाफ हो ठीक है क्लर्जी जो चर्च है उनके डिसीजन के खिलाफ हो तो वो क्या है वो स्पेशली जो अपने पावर को होल्ड करने के लिए हर कुछ करने को तैयार है जो भी नेसेसरी है तो जब इन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को किया तो अपने सारे फैक्ट्स प्रूव कर दिए कि यही बात मेरी सही है अब जो यहाँ था कि तो अब रूलर्स भी क्या थे अभी वो पॉप की नहीं सुन रहे थे उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई हमें माफ कर दो ठीक है हम अपने डिसीजंस खुद ले लेंगे अपनी सत्ता को हम खुद संभाल लेंगे ठीक है डिस्कवरीज इन साइंस अभी डिस्कवरीज भी होने लगी थी क्यों होने लगी थी जब लोगों का माइंड काम करना शुरू करेगा तो वो खुद भी हाथ पैर चलाना शुरू करेंगे ठीक है अलाउड नहीं था वैसे कि आप जो चर्च ने बात कह रखी है यानी कि जो स्पेशली पोप ने जो चर्च में रहने वाले लोग हैं पादरी वगैरह हैं ये इन्होंने जो बात कह रखी है कि इसके अगेंस्ट में आप कुछ बोल दो इन्होंने बोला हुआ है कि धरती गोल है ठीक है आपकी अर्थ जो है वो क्या है आपकी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है ठीक है उन्होंने बोला कि जो आपकी अर्थ है स्पेशली वो क्या है इन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो तो सेंटर है ठीक है और स्पेशली जो ये मून वगैरह ये सब चीजें हैं जितने और बाकी प्लेनेट हैं वो इसको राउंड राउंड करते हैं इन्होंने ये बता रखा था हर किसी ने मान लिया अपनी तरफ से कोई इन्होंने कोशिश नहीं की लेकिन यहाँ पर होता क्या है आपके साथ में देखिए यहाँ पर हुआ क्या निकोलस कॉपरिकस को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं

तो इनको इनके खिलाफ क्योंकि इनके पास इविडेंस नहीं थे इनके पास तो ये था कि लिखा है बस ऐसा होता है बस ऐसा ही है लेकिन इनके पास तो इविडेंस थे ना बात इनकी क्या हो जाती कट हो जाती तो स्पेशली इनको यहाँ पर एक धक्का सा लग जाता जो कि इनकी ये रोक भी दी गई थी कॉपर निकस को रोका भी गया इसके लिए इनके काफी सारे पनिशमेंट्स भी दिए गए इनको तो हिज वर्क बैंड यानी कि चर्च ने इनके वर्क को बैन कर दिया बिल्कुल बैन कर दिया कि नहीं ऐसी बात तुम नहीं बोलोगे जनता में हमारी जो स्टेटस है तुम कम कर रहे हो आखिर हमने बताया हुआ है कि अर्थ ही सेंटर है तो अर्थ ही सेंटर रहना चाहिए ना तो यही है बोले नहीं जो चीज बात सही है वो सही है तो बैन तो कर, तो कर दिया गया फिर क्या हुआ कि गैलीलियो जो गैलीली हैं तो इनके साथ में क्या होता है यहाँ पर 1564 में ठीक है देखिए टाइम आपका होने वाला है वैसे लेकिन आप देख लीजिए तो ये जो आपके गैलीली जो हैं तो इन्होंने भी इस थ्योरी को यहाँ पर क्या किया यहाँ पर सपोर्ट किया तो अब क्या है कि धीरे धीरे अपोज होने लगे इनके अपोजिंग जो है चीजें जाने लगी ठीक है तो आप ये देख सकते हैं अभी आप देखिए तो हम थोड़ी सी कर लेते हैं फिर ये टॉपिक जब तक फिनिश हो जाएगा अगर देखिए जॉब का रहने सा है तो ये सारी चीजें होती हैं वहां पर यानी कि डिस्कवरीज वगैरह भी हो रही हैं और स्पेशली जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो आप ट्रेडिंग की वजह से वो क्या कर रहे थे कि अलग अलग देशों से क्या कर रहे थे अपना ट्रेड बढ़ा रहे थे तो वो जब अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे तो चीजें देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर अपनी सत्ता कायम की जा सकती है कैसे एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है तो उसके भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिले तो इससे फिर क्या हुआ चर्च वालों को डर लगने लगा उन्होंने सोचा कि चर्च को बिल्कुल फिनिश हो गए तो क्या होगा तो फिर उन्होंने रिफॉर्म यहां पर अपने आप में रिफॉर्म करने का सोचा तो उन्होंने चर्च के जो रूल्स थे वही क्या किया कि चेंज करने शुरू कर दिए यानी कि उन्होंने यहां पर थोड़े से जो अपने थे रूल्स उनको चेंज किया कि ऐसे बात नहीं बनेगी फिर तो हम बिल्कुल गायब हो जाएंगे थोड़े से चेंजेस किए लेकिन फिर भी लड़ाई चलती रहती थी आपस में पॉप वगैरह की मार्टिन ल्यूथर जो है उन्होंने स्पेशली क्या किया था देखिए एक वर्ड ध्यान रखेंगे लिखा हुआ है सेल्फ जो इंटेलिजेंस थे यानी कि उन्होंने ये बोला कि जो इंटेलिजेंस थे स्पेशली जो चर्च वाले हैं तो वो क्या करते हैं पादरी वगैरह जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि लोगों से पैसे लेते हैं किस चीज के लिए लेते हैं इंटेलिजेंस लिखने के लिए यानी कि उनको क्या दिलाने के दिलाने के लिए यहाँ पर सेल्वेशन मोक्ष दिलाने के लिए कि तुमने कोई पाप किए हैं तो कन्फेशन करो आके ये लो लेटर ठीक है इसके पैसे चुकाओ और फिर हो गया तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा भगवान तक हमने तुम्हारी बात पहुंचा दी है इन्होंने कह दिया कि मार्टिन लूथर ने भगवान से डायरेक्ट जो है चर्च कोई बात कराने वाला कौन होता है हर कोई खुद बात कर सकता है तो इन्होंने ऐसा किया यहाँ पर जिसकी वजह से क्या है कि बहुत स्प्रेड हो गया ये सब चीजें प्रोटेस्टेंट जो थे वो अगेंस्ट हो गए चर्च के तो फिर रिफॉर्मेशन यह यहाँ पर रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी इनको इन्हों, तो इन्होंने यहाँ पर रिफॉर्म किया ठीक है तो ये की फैक्ट्स हैं इनके ठीक है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जब क्लास होगी आपकी तो तो वहां पर मिल जाएंगे कि जो है, इनका इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन कर दिया था इंग्लिश के अंदर तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसको एक गलत वे में पढ़ाया जा रहा था वो क्या हो चुकी थी यहाँ पर अभी इसका क्या हो चुका था यहाँ पर ट्रांसलेशन हो गया तो लोगों में ये स्प्रेड हो गया था ठीक है विलियम कैक्सटन जो कि जर्मन मर्चेंट थे इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है इंग्लैंड में डेवलप कर दी तो इसका प्रभाव पड़ा हो गया ठीक है चलिए फिर क्लास को ऑफ कर देते हैं आज ही ठीक है अब कल मिलेंगे हम कल की क्लास में टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि मैम कल ये टॉपिक ले लीजिएगा तो कल फिर हम उसको देख लेंगे अभी फिर क्लास को ऑफ करते हैं मैं बाद में देख लूंगी आपकी हाँ घूसखोरी चलने, चलने लगी थी चलने लगी नहीं थी अब इस टाइम बंद हो गई थी ठीक है उन लोगों का यहाँ से ठिया उठ गया था ये कह सकते हैं ठीक है चलिए फिर ओके गुड बाय एंड टेक केयर क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो ठीक है चलिए फिर मिलते हैं